दोस्तों दी केरला स्टोरी फिल्म ने संडे को कमाल कर दिया है और पठान के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई है। साथ ही विदु जामवाल की फिल्म IB71 का इतना बुरा हाल हो गया है कि फिल्म की कमाई सुनकर आपको शौक लग जाएगा। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे डेली अपडेट मिलता रहता है। देखिए पहले बात कर लेते हैं फिल्म IB71 की, तो भाई ऐसी मूवी का ये हाल देखकर रोना आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता विदु जामवाल की फिल्में लोग क्यों नहीं देखते। पिछली कई सारी फिल्में भी फ्लॉप का टैग ले चुकी हैं। अभी तक फिल्म ने 3 दिनों में केवल 5 करोड़ का ही कारोबार कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें फिल्म दी केरला स्टोरी की, तो फिल्म ने लगातार अपनी कमाई बरकरार रखा है और 2023 में पठान के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई है। फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा तो पहले ही पार कर लिया है। बीच में कोई बड़ी फिल्म रिलीज ना होने की वजह से भी फायदा मिल रहा है और फिल्म ने संडे को IB71 को धूल चटाते हुए 24 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जो अभी तक 10 दिनों में सबसे ज्यादा कलेक्शन है। और ये कमाई का सिलसिला पूरा हफ्ता चलने वाला है और फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। अभी तक फिल्म ने 10 दिनों में लगभग 137 करोड़ का कारोबार कर लिया है। तो डेली अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट।